नमस्कार दोस्तों, कहीं आरक्षण बचाने के लिए आंदोलन होते हैं तो कहीं खत्म करने के लिए। बांग्लादेश में छात्रों का विद्रोह एक तूफान की तरह फैल गया है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करना पड़ा। छात्रों के रोष की आग में बांग्लादेश जल रहा है। लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है। आरक्षण के मुद्दे पर देश में इतना बड़ा विरोध पहले कभी नहीं देखा गया। छात्रों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि सरकार को सेना बुलानी पड़ी। सड़कों पर टैंक दौड़ रहे, ड्रोन हमले हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज यहाँ तक कि मदरसे भी बंद हैं। छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही। यह कोई लोकतांत्रिक देश नहीं बल्कि एक युद्धग्रस्त क्षेत्र लग रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण देने की बात कही है, लेकिन क्या यह एक साजिश है? क्या मुसलमानों को बांग्लादेश से निकालकर पश्चिम बंगाल में बसाने की साजिश रची जा रही? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हमेशा भारत का समर्थन करती रही हैं। जब बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चला था तो उन्होंने भारत का समर्थन किया था। आज उन पर तानाशाह होने का आरोप है। क्या शेख हसीना सच में तानाशाह और मानवता के दुश्मन बन गई है? यह सवाल अब बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी उठ रहा है। क्या भारत अपने पड़ोसी देश में हो रही हिंसा को देखता रहेगा? और क्या कोई मुख्यमंत्री विदेशी मामलों में दखल देगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इसी साल जनवरी में शेख हसीना ने चौथी बार सत्ता हासिल की थी। कोटा विरोधी प्रदर्शनों ने शेख हसीना की सत्ता में वापसी के जश्न को फीका कर दिया है। यह चुनाव भी काफी विवादित था जिसमें विपक्षी पार्टियों ने भाग ही नहीं लिया था। बागडोर संभालने के बाद हसीना को महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार का सामना करना पड़ा। उन्होंने भारत और चीन जैसे देशों से मदद की उम्मीद लगाई थी, लेकिन छात्रों का आक्रोश और उनके अपने कुछ बयानों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। 1996 से सत्ता में रहते हुए हसीना ने पहले कभी इतना बड़ा संकट नहीं देखा होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजादी की खुशी अभी मिट भी नहीं पाई थी कि भारत को एक दर्दनाक विभाजन का सामना करना पड़ा। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना। यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और इसने लाखों लोगों के जीवन को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान दो भागों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों हिस्सों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक अंतर बहुत ज्यादा थे। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के शासन से नाखुश थे। उन्हें लगता था कि उनका शोषण हो रहा। इस असंतोष का परिणाम 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में सामने आया। इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारत का साथ दिया और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में शेख मुजीबुर रहमान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बांग्लादेश की आजादी के सबसे बड़े समर्थक थे और उन्होंने वादा किया था कि अगर बांग्लादेश आजाद हुआ तो वे स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लोगों को सम्मानित करेंगे। भारत की जीत के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने वादे के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को सम्मानित किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले वीर सपूतों, उनके परिवारों को सम्मान देने के लिए सरकारी नौकरी में 30% का कोटा आरक्षित किया। यह फैसला निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम था, लेकिन समय के साथ इस कोटा प्रणाली ने एक नया रूप ले लिया। आज बांग्लादेश में करीब 56% सरकारी नौकरियां विभिन्न कोटा के तहत आरक्षित हैं। इनमें महिलाओं, अविकसित क्षेत्रों के लोगों, स्वदेशी समुदायों और विकलांग लोगों के लिए कोटा शामिल है। यह पहली नजर में एक सकारात्मक कदम लग सकता है, लेकिन इसने कई चुनौतियों को भी पैदा किया है। पिछले कुछ दशकों में कोटा प्रणाली का दुरुपयोग होने लगा। स्वतंत्रता सेनाओं की संख्या कम होने के साथ कोटा का लाभ अक्सर अवामी लीग के समर्थकों को मिलने लगा। विपक्ष और छात्रों का आरोप है कि यह कोटा प्रणाली अब एक राजनीतिक हथियार बन गई है जिसके इस्तेमाल सत्ताधारी दल अपने समर्थकों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहा। छात्रों का मानना है कि यह कोटा प्रणाली प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसरों को सीमित कर रही है।
और देश के विकास में बाधा बन रही है। उन्होंने कोटा सुधार के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने देश में 1970 से चले आ रहे कोटा प्रणाली को खत्म करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। शेख हसीना ने घोषणा की कि वह मुक्ति संग्राम के दिग्गजों के वंशजों के लिए कोटा बनाए रखेंगे। यह व्यापक रूप से समझा गया कि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान द्वारा शुरू किया गया यह कोटा उनके लिए एक भावनात्मक मुद्दा था, लेकिन मुक्ति के संग्राम के वंशजों के लिए कोटा के समर्थन की घोषणा ने इस विवाद की आग में घी डाल दिया और छात्रों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके जवाब में उन्होंने सभी प्रकार के आरक्षण को खत्म करने का आदेश जारी किया। यह उन छात्रों के लिए एक झटका था जो कोटा प्रणाली में सुधार चाहते थे, न कि इसे खत्म करना। यह स्पष्ट था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों को कोई कोटा नहीं मिलेगा तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। अगले 2 साल तक चली इस खींचतान के बाद हसीना ने अपना फैसला वापस लेने से इनकार कर दिया और 2020 में अपना आदेश लागू कर दिया। 2024 में एक बड़ा मोड़ तब आया जब हाईकोर्ट ने हसीना के फैसले को रद्द कर दिया और सभी कोटा बहाल कर दिए। यह फैसला स्वतंत्रता सेनानी के एक वंशज द्वारा दायर याचिका पर आया था। सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन छात्रों का गुस्सा बढ़ता गया। छात्रों का मानना है कि कोटा प्रणाली में व्यापक रूप से सुधार की जरूरत है। इसे सिर्फ मुक्ति संग्राम के वंशजों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलें, कोटा प्रणाली का दुरुपयोग न हो। बहरहाल अदालत ने 30% के आरक्षण को घटाकर 5% कर दिया है। अब कुल आरक्षण 7% ही है, यानी 93% सीटें बिना आरक्षण की होंगी। बांग्लादेश में कोटा विवाद सिर्फ एक शैक्षणिक नीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश के इतिहास, राजनीति और समाज से गहराई से जुड़ा हुआ है। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोटा को अपने पिता की विरासत का एक अहम हिस्सा माना है। उनके लिए यह एक भावनात्मक मुद्दा है और वे किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ना चाहती। शेख हसीना ने जनवरी में हुए चुनाव में जीत हासिल किए थे, जिसका बीएनपी ने बहिष्कार किया, जो चाहती थी कि चुनाव कार्यवाहक सरकार के तहत कराए जाएं। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोटा के बारे में अवामी लीग का यह रुख दर्शाता है कि पार्टी को लगता है कि जमात और बीएनपी उसे शर्मिंदा करने के लिए आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे कि उनकी चुनावी जीत देश में व्याप्त सत्ता विरोधी भावना को नहीं दर्शाती है। लेकिन आज के युवा जो इस मुक्ति संग्राम को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाए, वे कोटा प्रणाली को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि युद्ध लड़ने वाले वीरों की पीढ़ियां इतनी कमजोर और लाचार नहीं है जो उन्हें आरक्षण मिले। अब उनकी जनसंख्या भी कम हो गई है, जबकि आरक्षण 30% ही मिल रहा। इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है। केवल शेख हसीना की पार्टी, अवामी लीग के लोग इसका फायदा उठाते हैं। उन्हें लगता है कि यह प्रणाली योग्यता के आधार पर नौकरियों में भर्ती में बाधा डालती है और देश के विकास के लिए हानिकारक है। ऐसे तर्क भारत में भी आरक्षण के खिलाफ अक्सर दिए जाते हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि बांग्लादेश का आरक्षण भारत में दिए जा रहे आरक्षण से बिल्कुल अलग है। भारत में आरक्षण की व्यवस्था मुख्य रूप से उन पिछड़ी जातियों के लिए है जिनके साथ अतीत में अन्याय हुआ है और जो अभी भी समाज में पीछे हैं। अगर इन जातियों को आरक्षण नहीं दिया जाए तो उन्हें बराबरी के मौके नहीं मिलेंगे। इसलिए आरक्षण का उद्देश्य इन जातियों को समाज में समान अवसर देने का है। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विवाद में एक नया मोड़ लाया है। कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोटे में भारी कटौती की, जो दर्शाता है कि सरकार छात्रों के दबाव में थोड़ा पीछे हट रही। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या यह अंतिम समाधान है या यह विवाद अभी और लंबा चलेगा। भारत सरकार बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन को वहां का आंतरिक मुद्दा मानता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटनाक्रम को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से आ रहे शरणार्थियों को शरण देने की बात कही है।
उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर वह पड़ोसी देश से संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज के दरवाजे हमेशा खुले रखेंगे, उन्हें आश्रय देंगी, उन्हें शरण देंगी। बनर्जी ने संभावित मानवीय संकट पर अपने रुख के औचित्य के लिए शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव का हवाला दिया था। इसका विरोध बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी दायर किया है। ममता बनर्जी कभी तो कहती हैं कि वह धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को CA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने और उनके वैध अधिकार प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगे। एक तरफ शरणार्थियों को शरण देना, दूसरी तरफ CA का विरोध करना, कैसी राजनीति है ये? क्या ममता बनर्जी की सरकार मुसलमानों के लिए सिलेक्टिव काम करती है जिससे बंगाल की डेमोग्राफी में बदलाव आए? जब बांग्लादेश के साथ में भारत सरकार कोई समझौता करता है तो उसकी ममता बनर्जी विरोध करती हैं। लेकिन शरणार्थियों के मुद्दे पर इतनी रहमदिली क्यों है? वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।